इस साल मैंने रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर पे, लाइक मिलियंस ऑफ अदर पीपल, बहुत ही जेनेरिक रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं रीडिंग करूंगी, आई रीड बुक्स. लेकिन मेरे वाले में फर्क ये है कि मैंने एक्चुअली शुरू किया, कल मैंने एक बुक शुरू किया पढ़ना और आज ऑलरेडी वो बुक खत्म हो गया मेरा पढ़ के. तो नाउ आई एम मूविंग टू माई सेकेंड बुक एंड इसको मैं खत्म करूंगी विद गॉड स्पीड मैन, बिकॉज़ आई एम अ रैपर मैन. ये बारिश होती है जब, तो इन गारे पत्थर की दीवारों पर भीगे भीगे नक्शे बनने लगते हैं. हिचकी हिचकी बारिश तब पहचानी सी एक लिखाई लिखती है. बारिश कुछ कह जाती है. ऐसा ही अशकों से भीगा एक खत शायद तुमने पहले देखा हो. दिस इज अ वैलिड रिएक्शन, यू नो व्हाट, आई जस्ट रेड दिस. बारिश आने से पहले ही बारिश से बचने की तैयारी जारी है. सारी दरारें बंद कर ली है और लेप के छत अब छतरी भी मढ़वा ली है. खिड़की जो खुलती है बाहर, उसके ऊपर एक छज्जा खींच दिया है. मेन सड़क से गली में होकर दरवाजे तक आता रास्ता बजरी मिट्टी डाल के उसको कूट रहे हैं. यही कहीं कुछ गड्ढों में बारिश आती है तो पानी भर जाता है. जूते पाँव पाइचे सब सन जाते हैं. गले न पड़ जाए सतरंगी, भीग न जाए बादल से. सावन से बचकर जीते हैं. बारिश आने से पहले बारिश से बचने की तैयारी जारी है. What? What? पता नहीं इफ दिस इज ऑब्वियस एंड एविडेंट इनफ फॉर एवरीबॉडी या सिर्फ मेरे को ही ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मेटाफर समझ आ गया. बिकॉज ये मेटाफर है, ये जो पोएम अभी अभी मैंने पढ़ी, दिस इज अ मेटाफर टू लिटरली एनीथिंग दैट यू वांटेड टू बी. यू नो आई एम नॉट श्योर इफ एनीबॉडी इज ऑन द सेम पेज एज मी on this page, but yeah, this could be a metaphor to love, to life, to friendship, to career, to relationships, to anything, you know. जिनको पिछली वाली समझ नहीं आई थी बात, उनको ये वाली मैं समझाऊंगी पढ़ते पढ़ते साथ में, ठीक है? समझाती हूँ. एक नकल तुझे भी भेजूंगा. ये सोच के ही तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं. तन्हाई के नीचे कार्बन पेपर रख के मैं ऊंची ऊंची आवाज में बातें करता हूं. अल्फाज उतर आते हैं कागज पर, लेकिन आवाज की शक्ल नहीं उतरती. रातों की सिहाई दिखती है, रातों की सिहाई दिखती है. समझ रहे हो? पड़ा है वास्ता मुझसे कभी जिस आशिकी का, आशिकी का, आशिकी का, ऐसा है. पड़ा है वास्ता मुझसे कभी जिस आशिकी का, चला हफ्ते से ज्यादा सिलसिला किस आशिकी का. वाह वाह, आजकल अपना गॉडफादर तो इंटरनेट है. आप अगर इंटरनेट पे